देखा होगा आपने क्या ज़बरदस्त जगह है, खूबसूरत, और वो सारे टेंट वेंट भी लगाए हुए हैं। तो अभी टेंट का भी मैं पूछती हूँ, लेकिन वो जो मैं बात करी थी ना पहले पानी के कम हो ज़्यादा हो, तो मेरी इंस्टा पे आप जाएं, मेरे इंस्टा पेज पे, वहाँ पे जो मेरी रील्स हैं उनमें एक ऐसी रील भी मैंने लगाई है जिसमें आप और मैं गए थे यार, तो हमने वहाँ पहले पता किया था कि मतलब पानी कितना गहरा है क्या है, तब कैसे ने उसमें स्विमिंग भी की थी, डुबकियाँ भी लगाई थी, तो वो भी आप रील ज़रूर देखिएगा मेरे इंस्टा पे पेज पे जाके। बुरा लग रहा हूँ, उसमें तो निकली हुई थी, खैर बाहर लग तो नहीं वो एनीवेज खड़े हुए ऐसे थे ना। अब देखिए हमें, मुझे लगता है हमें अपने आप को जैसे हम हैं वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, हेल्दी रखने के लिए। बार भी डाई करने देरी कह रही नहीं, ऐसे सही है यार, डिसेंट लगते हैं। अजीब लगता है ना कि एक एज चेहरे पे आई हुई और काले बाल, काली मूछें, काली दाढ़ी, ऐसा लगता है मुंह पे बूट पॉलिश कर दिया, कैसा नहीं कीजिएगा प्लीज। ऐसे नहीं बोलते यार, बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं। नहीं ऑफेंड की बात नहीं, मतलब आदमी नेचुरल है। अगर डाई भी करना है, लेसन अगर डाई भी करना है तो अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, अपने एज के हिसाब से थोड़ा उसको मिक्स एंड मैच करके करें, ऐसे तो नहीं ना बिल्कुल एक अजीब ही शक्ल हो जाए। अच्छा ठीक है, खैर इस पे हम इस पे भी बात बात करेंगे, इस टॉपिक पे करेंगे ना, टॉपिक पे बात। ठीक है। अच्छा सुने, वो मुझे बताएं, वो जो मैं इनको बता रही थी ना कि सारे वो कीड़े मकोड़े और चूहे और पता नहीं क्या क्या मगरमच्छ हाँ होते हैं, देखें वो जो टेंट आपने देखे हाँ, थे ना, वो तो कह रही हूँ टेंट में अंदर नहीं वो आते, नहीं उसमें नीचे वो इंसुलेटर कह रहा था कि उसके नीचे वो बिच्छू बैठा हुआ था। हाँ बिल्कुल था, एक्चुअली जिस इलाके में आप जाते हैं ना वहाँ के ये जो हशरात अलर्ज है ये वहाँ के हिसाब से कैमोफ्लॉज हो जाते हैं, तो वहाँ की जो मिट्टी है वो बिच्छू उस रंग के हो जाते हैं, वो नज़र ही नहीं आते। तो हम लोग इस तरीके से सोते हैं कि मच्छरदानियों का इस्तेमाल है और अपने आप को सेफ रखने के लिए। नहीं मैं से पूछ लेकिन रही सुबह नीचे नहीं सुभा, नीचे जो उनमें भाई सुन लेना, मुझे बताए ना कि मैं वही तो बता रहा हूँ यार, वो आते नहीं, वो उसको क्रॉस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, हमारे उजाली के अंदर कमरे में नहीं, उसमें हमारा जो टेंट है उसमें नहीं आ सकते। लेकिन चूंकि सारा दिन गर्मी होती है और रात को ठंडक होती है तो फिर ये जानवर, ये रेप्टाइल्स बाहर निकलते हैं, और चूंकि हमारे चप्पलें जूते बाहर रखे हुए होते हैं तो पहली बार जब मुझे इल्म नहीं था तो मैं अभी जूता पहनने ही वाला था और अंदर बिच्छू बैठे हुए थे। बेचारा बिच्छू बच गया, मर जाता वरना। ना मैंने मारा नहीं उसको, मैंने आराम से उसको उठा के और उस पत्थरों के साथ छोड़ दिया, मैंने मारा नहीं था उसको, इसीलिए बच गया। मुझे यही लगता है कि देखिए जो भी लिविंग थिंग्स है ना, हमें वो वीडियो देखी थी जिसमें कि अहमद गाड़ी से उतरा था और वो जो स्पाइरल वाइपर सांप उसके और आप भागते हुए उसके पीछे गए थे। खैर वो भी बाद में आपको दिखाऊंगा, वो अभी सारी बातें नहीं अभी करें ना, वो फिर अलग मिक्स हो जाएगा, वो एक अलग टाइम था, ये एक अलग टूर था आपका। मेरे पास हजारों, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि कोई भी जो जानदार है ना, हमें उसकी जिंदगी की उसको वैल्यू करना चाहिए। जाहिर है उसको भी उतना ही हक है इस प्लेनेट पे जीने का जितना कि आपको और हमें। मतलब हम उन्हें छेड़ने जाने के बजाय इसके कि हम कहें कि हम उधर जा रहे हैं और वो हमारे पास आ रहे हैं, तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनको ना मारे। ट्रू। अच्छा मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि ये वाले जो ट्रैवलॉग के साथ साथ हम दूसरी वीडियोज जो आपको दिखाएंगे, जो मैंने जो मेरा प्लान है, हमारे पास हमारे ड्रामों के BTS हैं, बिहाइंड द सीन जो ड्रामे मैंने बनाए, मेरी कंपनी ने बनाए, उसमें जो फजीला अगर एक्टिंग कर रही है और कहीं एक्टिंग करते करते भूल जाए तो वो शॉट्स भी हैं। मैं अपने ड्रामों में काम करता नहीं इसलिए मेरे कोई शॉट्स नहीं होंगे, दूसरे एक्टर्स हैं उनके भी हैं, लेकिन वो अगली सीरीज में मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, वो एक अलग प्लान है ना, हाँ, उसको इधर ही करें। अभी तो आपने वो जो तस्वीरें दिखाई हैं उसमें आपने वीडियोस और तस्वीरें जो आपने देखी हैं, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। और नहीं मुझे बताया ना कि उसमें जो वो ड्राइव जब की है, जो गाड़ियाँ चलाई थी ज़ोरन ने भी और सब लोगों ने, तो ऐसे नहीं हो ना कि कोई भी गाड़ियाँ लेके चला जाए फिर टूटना फूटना अलग बात है, ये जान को खतरा होता है, क्योंकि जिस जगह पे अकील भाई ने भी वो बात कही है कि इन जगहों पे हर आदमी नहीं जा सकता, क्योंकि थोड़ा सा मिस है और आपकी गाड़ी को भी नुकसान हो सकता है और इंसानी जान को भी नुकसान हो सकता है, और वहाँ दूर दूर तक लोग नहीं होते, तो इसलिए ना मोबाइल फ़ोन के सिग्नल होते हैं, खाना पकाने वाला कोई नहीं, खाना भी हम मट्टी में बनाते हैं, वो मैं किसी वो भी आपको दिखाऊँगा, तो इसलिए वहाँ वो खाना भी वहीं जाके बनाते हैं। हाँ या तो हमारे साथ चलें, अगर किसी को शौक है तो आप मुझसे रब्ता कीजिएगा, कैसर निज़ामानी KAISERNIZAMANI@yahoo.com, तो इंशाल्लाह एक ग्रुप बना के हम चलेंगे, या फिर हमारा 4x4 कराची 4x4 क्लब, आप उस पर रब्ता करें, तो जो जो शौकीन है हम आपको लेके जाएंगे। हाँ, लेकिन शौक जो है ना सिर्फ शौक ऐसे, हमारी कोई फीस नहीं है, हमारे कोई पैसे नहीं है, कोई कुछ नहीं, नहीं है, लेकिन अपनी चीजें आपकी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, आपका अपना गियर, आपकी अपनी गाड़ी, और आप ज़हनी तौर पर उस चीज के लिए, उस एडवेंचर के लिए रेडी होने चाहिए। तो अब मेरे ख्याल काफी बातें हो गई हैं, अब बाय बाय, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।
दुनिया 4x4 में ये ऑफ रोड कर रही है और हमारे डॉक्टर साहब खुद पैदल चल के ऑफ रोड करते हुए आ रहे हैं। भाई कमाल है डॉक्टर साहब, कमाल है। कैसा रहा आपका ट्रिप सर? मजा आया? चले जबरदस्त, इंशाल्लाह ताला फिर आप आएंगे जरूर यहाँ पे। चले जबरदस्त। अच्छा आपको कैसा लगा अखिल भाई ये ट्रैक आज वाला? इट इज अ गुड ट्रैक, चैलेंजिंग है। दोबारा आऊंगा दोबारा इंशाल्लाह, लेकिन इस टाइम पे नहीं आऊंगा, मेरा टाइम होगा कोई सुबह का या शाम का। यस, वीडियोग्राफी के लिए, फोटोग्राफी के लिए और आंखों के लिए भी मजेदार ट्रैक है, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूंगा न्यू कमर्स को इसको अटेंड करें। 4x4 जो मांगता है ट्रैक पे, और आपने अपनी गाड़ी के इंजन के ऊपर जो है गाड़ी को कंट्रोल करना है, ब्रेक्स बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज यू विल लूज योर व्हीकल। ये मैं आपको टॉप शॉट दिखा रहा हूँ यहाँ से, गोल नदी है और ये आपको बल खाती हुई कच्ची सड़क नज़र आएगी, ठीक है ना, बल खाती हुई। और ये यहाँ से गाड़ियाँ गुजरेंगी इस पट्टे से होती हुई, और ये सामने की जानब देखेंगे गाड़ियाँ खड़ी हुई, और ये कप्तान साहब की गाड़ी है, तो पीछे दूसरी है। ये अखिल भाई मसरूफ़ हैं अपने टॉप शॉट्स या बर्ड्स आई व्यू बनाने में, क्योंकि ये हिंगोल के जो पहाड़ हैं, ये जो फ्लेक समझ लें या मड वॉल्केनोस का जो लावा जो रुक चुका है, इसकी खूबसूरती ही कुछ और है। चलिए अब गाड़ियों की जानब जाते हैं। ये हमारे शाहिद भाई बैठे हैं और कप्तान साहब इनसे ज़रा पूछते हैं क्या कहेंगे सर हिंगोल के बारे में। और जिसे पहाड़ी यहाँ हैं मेरा ख्याल है पूरे वर्ल्ड में, आई गारंटी यू पूरे वर्ल्ड में इस तरह की पहाड़ नहीं होती, इस तरह की माउंटेन्स और या मड वॉल्केनोस, ईच एंड एवरीथिंग इज अमेजिंग। खाले साहब, सर हमारा पाकिस्तान जो है ना, इससे खूबसूरत जगह कोई है, पता नहीं लोग क्यों स्विट्जरलैंड और इधर उधर आए, अपने पाकिस्तान की ब्यूटी एक्सप्लोर करें और देखेंगे क्या क्या अल्लाह ने मिल दिया। थैंक यू सर। थैंक यू जी शाजिद। आई एम ऑल अबाउट टेरेन्स, आई लव हंगोस टेरेन्स। Some people who said that that they will never come to Hingol again, they don't deserve to be in Hingol. Wonderful. Ali? Jaldi se mujhe bataye kaisa raha aapka ye experience? Bada adventurous hai, very different kind of experience. Aur ye jo mud volcanoes ke andar se hum rasta banaya naya, is naye raste se hum ja rahe hain, aur ye hamare sath Adam hai. आदम से मैं अभी बात करता हूँ ना, शाहिद साहब से बात करूँ, सर्जन साहब से। हाँ, ये फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस है और वी अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, आप मुश्किल से ये वीडियो बना रहे हैं पहाड़ों में। मैं सबके इंटरव्यूज करता रहा हूँ। हाँ हाँ, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस टेरेन? आई फील इट इज वेरी चैलेंजिंग, इट इज इट्स अ मिक्स ऑफ मड वाटर एंड सैंड, और हमारे साथ जो है वो पीक नेविगेटर बैठे हुए वीडियो बना रहे हैं, तो हमें टेंशन नहीं है। अच्छा अच्छा, मेरा बच्चा। देखिए कैसा लग रहा है यार, शुरू आ गया क्यों?
जैसे मैंने कहा था ना, इसी यही पेचोखम तय करते हुए हम हिंगोल के दूसरी जानब निकलेंगे। तो अब मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ भाई, दरवाजा खुद ही खुल गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे है क्या। ये देखिए, भाग्य है ना ऊपर तक, तो इसलिए मेरी सांस फूल रही है, तो प्लीज स्पेयर मी। रुक जा मेरे लाल, मुझे भी ले चल। ये भटमौल वोल्केनोस के दरमियान में नया रास्ता बना है, तो इस पर जो है मैं पहली बार आया हूँ। ये हिंगोल नदी आप देख सकते हैं, चूंकि मार्च का महीना है, पानी कम है, बारिश होंगी तो फिर ये अपने जोबन पे होती है। फिर इस नदी को क्रॉस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। सारी गाड़ियां आगे जा चुकी हैं, ये देखिए कैसा अजीब रास्ता है यार। ये है एक्चुअली हिंगोल का ब्रिज जहाँ से हम जाते हैं, लेकिन आज जो हम निकले हैं वो यहाँ से निकले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नया ट्रैक बनाया गया है। उस पर लिखा हुआ है काजी अजमल शहीद रोड और डंडेल ढलोई पोलडाट, वो रास्ता ये रहा। जोरेन भाई कहाँ जा रहा है? अच्छा नेचर्स कॉल। ये है जी हिंगोल वाला रोड जिसमें हम आए हैं, गाड़ियों के हब ब्लॉक्स वगैरह सब निकाले गए हैं। अब यहाँ पर बाहर निकलने के बाद सब अपनी अपनी बातों में। रिक्शा रिक्शा रिक्शा